फ्रेंड्स, मैं हूँ इस समय कालका शिमला टॉय ट्रेन में। अगर आप भी टॉय ट्रेन से शिमला की जर्नी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप शिमला के लिए टॉय ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं और किस तरह की टिकट का क्या चार्ज रहता है, साथ ही जो टिकट आपने बुक की है वो किस तरह के कोच में अवेलेबल रहेगी। इसके साथ साथ अगर आपको लगता हो कि आपकी टॉय ट्रेन मिस हो सकती है तब आपको किस तरह से टॉय ट्रेन की यात्रा करनी होगी, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आइए कीजिए मेरे साथ टॉय ट्रेन से शिमला की ये जर्नी। टॉय ट्रेन की बुकिंग आप IRCTC की वेबसाइट से इजीली कर सकते हैं। टॉय ट्रेन की बुकिंग आपको जर्नी की डेट से लगभग एक महीने पहले करनी होती है, तभी इसकी विंडो ओपन होती है। जैसे कि मैं अगर 1 मार्च की टिकट बुक करना चाहता हूं, तो मैं 1 फरवरी के बाद ही इसे बुक कर सकता हूं। और अगर मैं 15 मार्च की टिकट बुक करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे लगभग 15 फरवरी तक का वेट करना होगा। 15 फरवरी या 16 फरवरी को टिकट का जब शेड्यूल खुलेगा तब मैं जाके 15 मार्च की टिकट बुक कर पाऊंगा। टिकट की बुकिंग को लेकर आप ज्यादा परेशान ना हो, आप IRCTC की वेबसाइट पर लगभग 1 महीने पहले चेक जरूर कर लें। टॉय ट्रेन की बुकिंग आप कालका से शिमला के लिए, चाहे शिमला से कालका के लिए, कहीं के लिए भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि किस तरह की टिकट का क्या प्राइस रहता है। जैसे हिमालयन क्वीन, जो कि दोपहर में 11:55 पर चलती है, इसके चेयर क्लास का प्राइस रहता है 265 रूपए। वहीं फर्स्ट क्लास का प्राइस रहता है 475 रूपए। इसके अलावा अलग अलग ट्रेन के चेयर क्लास या फिर फर्स्ट क्लास के प्राइस अलग अलग रहते हैं। अगर बात करें मिनिमम टिकट प्राइस की तो ये लगभग 65 रूपए तक का रहता है। वहीं बात करें अगर मैक्सिमम प्राइस की तो वो कालका से शिमला के लिए लगभग 630 रूपए, वहीं शिमला से कालका के लिए लगभग 750 रूपए का रहता है। ये डिफरेंट ट्रेन में वेरी करता है। आगे मैं अब वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह की आपको सीट देखने को मिलती है ट्रेन में। कालका स्टेशन पर उतरते ही हम चल दिए शिमला की टॉय ट्रेन वाले प्लेटफॉर्म की ओर। जी हाँ, टॉय ट्रेन के प्लेटफॉर्म की संख्या 4-5-6 स्टेशन की ओर है। आप वेयर इज माई ट्रेन ऐप पर भी कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है ये देखकर आप उसी प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकते हैं। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी हुई थी। मैंने जो ट्रेन बुक की थी वो थी कालका शिमला एक्सप्रेस। जी हाँ, ये है उसका कोच। मैंने 2S क्लास बुक की थी और इसकी टिकट थी मात्र 65 रूपए। इस ट्रेन की टाइमिंग थी सुबह 6:20 पर। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि कहीं हमारी टॉय ट्रेन मिस न हो जाए और इसीलिए हम एक से ज्यादा ट्रेनों में टिकट बुक करा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर आकर भी जनरल टिकट ले सकते हैं जो कि मात्र 50 रूपए की मिल जाती है। ये था हमारी ट्रेन का चेयर क्लास वाला कोच। इसकी सीट काफी कंफर्टेबल रहती है और इसकी टिकट का प्राइस लगभग 250 रूपए से 250-300 रूपए तक रहता है। ये है हमारी ट्रेन का फर्स्ट क्लास वाला कोच। इसमें आपको केबिन की सुविधा मिलती है और इसकी टिकट का प्राइस लगभग 300 से 350 रूपए तक रहता है। जरूरी नहीं है कि हर फर्स्ट क्लास कोच में आपको केबिन ही मिले, किसी किसी में कंफर्टेबल चेयर ही मिलती है। ये है हमारी ट्रेन का जनरल कोच और ये है हमारी ट्रेन का VS यानी कि विस्टाडम कोच, जिससे आप अमेजिंग व्यूज देख सकते हैं और इसके टिकट का प्राइस लगभग 150 से 200 रूपए तक रहता है। आगे की वीडियो में मैं आपको और भी कोचेस और उनकी टिकट के क्या प्राइस रहते हैं इसकी जानकारी दूंगा। चलिए अब चाय की चुस्कियां लेते हुए हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं। ये है कालका शिमला रूट पर चलने वाली रेल मोटर, जिसका प्राइस 800 रूपए रहता है, लेकिन फिलहाल ये सेवा में नहीं है। कालका से शिमला ट्रैक की कुल लंबाई लगभग 96 किलोमीटर की है। इसमें पहले 103 सुरंगें थी जो कि अब 102 रह गई हैं। साथ ही इसमें लगभग 800 पुल हैं और 920 के करीब कर्व रास्ते हैं। टॉय ट्रेन की जर्नी में जो सबसे अमेजिंग चीज है वो है यहाँ के व्यूज। जी हाँ, ये व्यूज ही यहाँ की जर्नी को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। रास्ते में ट्रेन कई सारे खूबसूरत से प्लेटफॉर्म्स पर रुकती है।
साथ ही यहाँ पर आपको खाने पीने की चीजें भी मिल जाती हैं। टॉय ट्रेन की ये जर्नी लगभग 5 से 5.5 घंटे की होती है। आप चाहे तो कुछ दूरी टॉय ट्रेन से तय करके आगे की दूरी बस या फिर टैक्सी से तय कर सकते हैं, लेकिन इसमें टिकट प्राइस आपका पूरा ही रहता है। तो ये आपकी चॉइस है, आप किस तरह से अपनी जर्नी करना चाहते हैं। फाइनली लगभग 5 से 5.5 घंटे की जर्नी कंप्लीट करके हम पहुंच गए शिमला के रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ से जो व्यूज दिखाई दे रहे थे उसके तो क्या ही कहने थे। मैंने शिमला से कालका के लिए भी टॉय ट्रेन ही बुक की थी। आइए अब देखते हैं उस ट्रेन की जर्नी। हमारी टॉय ट्रेन जो कि 2:15 पर थी वो चलने को तैयार हो रही थी और उसमें इंजन आके लग चुका था। इस ट्रेन का नाम था शिमला कालका स्पेशल। इसमें मैंने ईवी क्लास की टिकट बुक की थी जो कि 630 रुपए की मिली थी। इसी ट्रेन में फर्स्ट क्लास की टिकट भी अवेलेबल थी और इसकी टिकट में भी आपको चेयर क्लास ही देखने के लिए मिलती है। जनरल कोच हर ट्रेन में आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ हर कोच में आपको टॉयलेट्स भी मिल जाते हैं और जो कि काफी साफ सुथरे ही होते हैं। यहाँ पर आपको हैंड वॉश और इंग्लिश सीट देखने के लिए मिल जाएगी। ट्रेन के चलने का समय हो चला था और हम अपने कोच में बैठ गए, लेकिन सीट पर बैठने से पहले हमने शिमला के रेलवे स्टेशन से चाय और बर्गर ले लिया था जो कि 10 रुपए और 30 रुपए में हमें मिला था। क्योंकि सफर काफी लंबा था इसलिए हमने खाने का इंतजाम पहले ही कर रखा था। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हमें जरूर फेस करने को मिली थी कि यहाँ पर चाय का जो टेस्ट था वो पूरी शिमला की जर्नी में बिल्कुल ही बेकार था। लेकिन इस शिमला की जर्नी में जो मेरे लिए सबसे मेमोरेबल चीज थी वो ये थी कि मेरे कोच में मैं बस अपनी फैमिली के साथ ही था। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी सिंगल पर्सन भी नहीं था। ऐसी जर्नी शायद लाइफ में कभी नहीं कर पाऊंगा। आई होप वीडियो में दी गई जानकारियां आपको जरूर हेल्प करेंगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर बात करें शिमला में स्नोफॉल की तो जनवरी में जब ये मैंने वीडियो शूट की थी तो उस समय कोई भी स्नोफॉल नहीं थी, लेकिन इस समय 1 फरवरी को बताया जा रहा है कि शिमला में अच्छी खासी स्नोफॉल हुई है। शिमला की स्नोफॉल का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, ये सब वेदर पे डिपेंड करता है। इस साल फरवरी में जो ये स्नोफॉल हुई है ये भी लगभग 500 दिन बाद हुई है। जब भी आप टूर प्लान करें वेदर फोरकास्ट जरूर देख लें।